कहाँ रखा था मैंने, याद नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, क्लास शुरू हो गया है। नमस्ते बच्चों, आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। माफ कीजिएगा बच्चों, मैं ना अपना कलम ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दिया है, याद ही नहीं आ रहा है। अब बताइए क्या करूं, बिना कलम के तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। बच्चों, क्या आप सब मेरी मदद करेंगे मेरी कलम ढूंढने में? अरे वाह, धन्यवाद बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आपको मेरी कलम कहीं नजर आ रही है? मिल गया, कहाँ पर है बताइए। ओ हाँ बच्चों, ये रही मेरी कलम। ये तो सोफे के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, यहाँ तो मेरी नजर गई ही नहीं थी। आप सबका बहुत धन्यवाद बच्चों, मेरी कलम ढूंढ कर निकालने के लिए। तो बच्चों, आज का 3 वर्णों वाला शब्द है जो कि हम सीखेंगे, वो है कलम। हाँ बच्चों, कलम। कलम को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? हाँ, पेन। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं शब्द का गठन करूंगी। तो बच्चों, देखकर बताइए ये कौन सा वर्ण है? हाँ, ये है कह। अब क के पास मैंने दूसरा वर्ण जोड़ दिया है, बताइए ये कौन सा वर्ण है? हाँ, ये है ल। अब ल के पास मैंने तीसरा वर्ण जोड़ दिया है, बताइए ये कौन सा वर्ण है? हाँ, म। तो बच्चों, क ल और म को जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा कलम, कलम। तो बच्चों, समझ में आया आप सबको? तो चलो अब हम कलम शब्द को अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अपनी कॉपीज निकालिए और हिंदी का पेज खोलिए। यहाँ पर हम CW यानी कि क्लास वर्क लिखेंगे और उसके नीचे आज का डेट 3 जनवरी 2022, ठीक है? 3 जनवरी 2022। और ऊपर हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे क ल म, ठीक है? कलम। ये हमने हेडिंग लिख दिया, अब हम कलम का चित्र बनाएंगे। अब हम इसमें रंग भर देंगे, ठीक है बच्चों? आप अपना मनचाहा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा चित्र बन चुका है, अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों? क ल म कलम, क ल म कलम। बच्चों बोलकर भी आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है? ऐसे आपको 3 लाइन्स में लिखना है, क ल म कलम, ऐसे आप लिखेंगे और एक एक जगह छोड़कर 5 बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों?
ल म कलम। देखिए बच्चों ऐसे ही आपको 5 बार एक एक जगह छोड़कर लिखना है, ठीक है। अब होमवर्क भी हम यहीं पर लिखेंगे। देखिए एच डब्ल्यू लिखा और उसके नीचे आज का डेट। होमवर्क भी आपको 5 बार लिखना है, ठीक है। जैसे क्लास वर्क में लिखा था वैसे ही होमवर्क भी आपको करना है।